إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين بعد حمد الصلاة کے لائق صد احترام قابل صد احترام عالی وقار مشاہدین اور مشاہدات سامعین اور سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارا موضوع سخن ہے کیا ایمان میں کمی بیشی ممکن ہے ہو سکتی ہے یا نہیں اس تعلق سے اس موضوع کے دو پہلو ہیں ایک جس کا تذکرہ ہمارے دو لیکچر میں پچھلے دو لیکچر میں گزر چکا آٹھ اور نو میں کہ ایمان کی کمی بیشی قرآن مجید کی روشنی میں اس میں بے شمار دلائل کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی گئی کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان کی کمی بیشی احادیث کی روشنی میں یہ اس کا دوسرا پہلو ہے دلائل کا ایک تو قرآنی دلائل سے اور بھی بہت سارے دلائل جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا سورہ حجرات کی آیت وقالت اذا اعلاوا آمنا بہت سی آیتیں ہیں اور بھی آج بھی دلائل کا ایک انبار ہے صحیح احادیث صحیح بخاری میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے علاوہ بے شمار مواقع پر ایمان میں کمی بیشی کے موضوع پر بہت ساری حدیثیں لائے ہیں اور کچھ لوگ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں کچھ عقل پرست ہوتے ہیں اور عقل پرستوں کے لیے بھی ایک دلیل
अगली दलील यह है, एक कलीदी हकीकत हम सबको अच्छी तरह से पत्थर में नक्श की तरह हमारे दिल और दिमाग के पर्दों पर सबत रहना चाहिए कि ईमान के हकीकत में अगर फर्क इम्तियाज ना हुआ, फर्क मरातिब और मकामात का लिहाज ना रखा गया, तफावत ना हुआ, तो उम्मत के आम आदमियों का ईमान जो हमेशा फिस्क व फुजूर में गुनाहों में मुलव्वस रहते हैं, शराब व कबाब में मस्त रहते हैं, जिनाकारी में, सूदखोरी में, रिश्वत सितानी में, जितने किस्म के कबीरा सवेरा गुनाह सब में मुनहमिक रहते हैं, उनका ईमान और अंबिया अलैहिस्सलाम का ईमान, फरिश्तों का ईमान, ये कैसे बराबर हो सकता है? मंतिक के इस्तेमाल में इसको कहते हैं लाजिम, एक चीज मलजूम भी है। जब सबका ईमान बराबर है तो जाहिर बात है इन फासिकों का, फाजिरों का, गुनाहगारों का, मक्कारों का, फरेबियों का ईमान और अंबिया का ईमान एक जैसा हुआ, सबका ईमान एक सा है, उसमें घटता बढ़ता नहीं। अगर हमें मान लेते हैं तो नबियों का ईमान और गुनहगारों का ईमान, ये दोनों और दोनों के मकाम जन्नत में भी एक ही होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम का जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ताला ने रखा है, नबियों का मकाम सबसे ऊंचा। हमने सारे नबियों के सरदार सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया व खतीबुहुम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे ऊंचा है। जब उनके अंदर फर्क मरातिब है तो ये फर्क मरातिब, फर्क मकामात, ये इम्तियाजी शान ईमान की बुनियाद पर है। तो ये आखिरी दलील, चलिए चलते हैं ईमान की कमी बेशी हादिस की रोशनी में इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए। मुझे उम्मत के सबसे नबियों के बाद सबसे अफजल इंसान हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इस पर उम्मत का पूरा इज्मा और इत्तेफाक, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया, न सहाबा किराम में, न सहाबा के बाद आज आने वाले आज तक सिवाय शिया के। तो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी मशहूर किताब है मिनहाज सुन्ना, उसमें सही सनद के साथ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्दा के मुतालिक हजरत उमर का एक कौल उन्होंने नकल फरमाया है, और हजरत उमर कहते हैं अल्लाह की कसम, हजरत उमर क्या कहते हैं, अल्लाह की कसम, अगर पूरे उम्मत मुहम्मदिया का ईमान तराजू के एक पल्ले में रखें और दूसरे पल्ले में हजरत अबू बकर का ईमान रखा जाए तो हजरत अबू बकर का ईमान वाला पलड़ा वजन से झुक जाएगा और सारी उम्मत का ईमान वाला पलड़ा हल्का पड़ जाएगा हजरत अबू बकर के ईमान के मुकाबले में। तो ये वाकया मिनहाज सुन्ना से सहाबा किराम का इंसाइक्लोपीडिया दारुस्सलाम ने किताब छापी है, सहाबा किराम का इंसाइक्लोपीडिया, उसमें हजरत अबू बकर के फजाइल मनाकिब में इस हदीस को जिक्र किया है। पर चलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल ईमान हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये सही बुखारी की दूसरी किताब है, सही बुखारी में 97 किताबें हैं और किताब अल ईमान का दूसरा नंबर है, उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब ही कायम किया है, बाब ज़ियादत अल ईमान व नुकसान, ईमान की कमी बेशी का बयान, ईमान में ज़ियादती और नुकसान का बयान। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि इमाम बुखारी अपने हसब आदत 3 पुरानी आयतें और 2 हदीसें जिक्र किए थे इस बाब में। इसके अलावा एक और बाब इमाम बुखारी ने कायम किया है अमाल के एतबार से, बाब तफादुल अहले ईमान फिल अमाल, उसमें भी 2 हदीसें लाए। इस बाब की वजाहत जरूरी है और पहले की जा चुकी है कई मरतबा। ईमान में कमी बेशी जो होती है, कभी आदमी के दिल में मौजूद यकीनी कैफियात, शोरी और मारफी यकीन की बुनियाद पर दिल की जो कैफियात होती है उसकी बुनियाद पर आदमी के ईमान का लेवल बढ़ता भी है और घटता भी है। जिस कदर यकीन अल्लाह की मारफत ज्यादा होगी तो यकीन आदमी का बढ़ेगा
और अल्लाह की मारिफत सबसे ज्यादा किसी बंदे को होती है तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद के जरिए से और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही अहादीस के जरिए से। इसमें अल्लाह के अस्मा और सिफात के ताल्लुक से जो बातें भी हैं हम उसको पढ़ेंगे, उसमें तदब्बुर करेंगे, गौर फिक्र करेंगे तो हमारा ईमान बढ़ेगा। इसी तरीके से ईमान में कमी बेशी अमल के जरिए से भी होती है। अमल नेक अमल इंसान करते जाएगा तो आदमी का ईमान का लेवल मेयार बढ़ता है। नेक अमल में कमी हुई, गुनाह ज्यादा होने लगे तो आदमी का ईमान घटता है। जिन चीजों पे हमें ईमान लेने का हुक्म दिया गया है उनको मोमन भी कहते हैं। अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के अस्मा सिफात पर, अल्लाह की रुबूबियत पर और अल्लाह के उलूहियत पर और अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की आसमानी किताबों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर के अच्छे बुरे फैसलों पर, मौत के बरहक होने पर, मौत के बाद बरज़खी जिंदगी पर, मौत से दोबारा उठाए जाने पर, मैदान महशर के हौलनाकियों पर और वहाँ हौज़े कौसर जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा उस पर, नामे आमाल की तकसीमी के बारे में, कुल सिरात को पार उबूर करने के ताल्लुक से, जन्नत में और दोज़ख में जाने तक के जितने गैबी मसाइल हैं जिन पर हमें ईमान लाने का हुक्म दिया गया है, उनके बारे में जिस कदर हमारे दिल में यकीनी कैफियत बढ़ती जाएगी उसी कदर हमारा ईमान बढ़ता जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद इस बात से है कि ईमान हर लिहाज से कमी बेशी को कबूल करता है, चाहे वो अमाल के लिहाज से हो या दिल में मौजूद यकीन और मारिफी और शोरी यकीन की बुनियाद पर हो या गैरी उमूर से मुतालिक हमारा हमें जो ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। तो चलिए पहले हदीस की जानिब हम आगे बढ़ते हैं। पहली रिवायत हजरत अनस से मरवी है इस बात की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله جب صحيح بخاري میں جہاں کہیں بھی ابو عبد الله قال ابو عبد الله ہے تو وہاں امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ تو اس سند کے آخر میں ایک مطابقت امام بخاری نے لائی ہے بتانے کے لیے کہ ایک دوسری روایت میں من خیر کے بجائے من ایمان کے الفاظ، خیر سے مراد نیکی کے نیک اعمال، عمل عمل نیک اگر ہو تو ایمان کی بنیاد پر ہے تو وہ مقبول ہے۔ اگر آدمی ایمان کی بنیاد پر کوئی نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے تو مقبول ہے، ایمان نہیں ہے، آسمان سے باتیں کرنے والی نیکیاں اس کے پاس موجود ہیں، جیسے عبداللہ ابن جرار کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ بن جرار کا معاملہ کیا ہوگا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کے بارے میں اس کا ایمان نہیں تھا، اس لیے اس کی یہ سارے خیر و خوبیاں فیض جود اور سخاوت کام نہیں آئے گی اس کو۔ تو میرے کہ اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 8 مقامات پر ذکر کیا ہے، کتاب الایمان میں پہلے مقام پر، کتاب التفسیر میں دوسرے مقام پر، کتاب الرقاق میں تیسرے مقام پر، کتاب التوحید میں 4-5 مقام پر امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ تو کئی مسائل ہر جگہ الگ الگ مسائل امام بخاری نے اس حدیث سے ذکر کیے ہیں، یہاں ایمان سے متعلق جو معاملہ ہے اس سے ہم بحث کریں گے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، کیا مطلب؟ زبان سے اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا،
दिल में उसकी सच्चाई पर यकीन रखा, इस कलमे के जो तकाजे हैं उसको पूरा किया, इसके जो शरायत हैं उसको पूरा किया, तो ये कलिमा उसको कल क़यामत के दिन फायदा पहुंचाएगा। सिर्फ जुबान से तो इकरार मुनाफिकीन भी करते थे, हमको ये कलिमा फायदा देगा बिल्कुल भी नहीं। तो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल के यकीनी कैफियत के साथ कहा, जुबान से इकरार किया, अमल से उसका सबूत पेश किया, नमाज पढ़ता रहा, जकात देता रहा, गुनाह अगर उससे हुए होंगे तो अल्लाह की मशीयत में होगा, वो चाहे तो अल्लाह माफ कर दे। वो एक न एक दिन अगर उसके दिल में जौ शरीर गेहूं की एक किस्म है जो के बराबर भी ईमान होगा तो वो दोज़ख से जरूर निकलेगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, जुबानी इकरार, कलबी तस्दीक, अमली सबूत, ये ईमान के तारीफ के तीन अरकान हैं, उसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर भी अगर ईमान होगा, भलाई होगी, नेक अमल उसने ईमान के बुनियाद पर किया होगा, तो वो भी दोज़ख से जरूर निकलेगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसके दिल में जरा बराबर भी नेकी और ईमान हो, तो वो भी दोज़ख से निकलेगा। तो बहरकैफ इस हदीस के बहुत से फवायद हैं। इस हदीस से इमाम बुखारी ये साबित करना चाहते हैं कि ईमान में कमी पेशी मुमकिन है। इस हदीस में खैर का जो लफ्ज आया हुआ है, तो खैर नेकी के काम को कहते हैं, भले के काम को कहते हैं, वो एक अमल हुआ, और अमल नेकी की बुनियाद, ईमान की बुनियाद पर जो अमल किया जाएगा, अमल में जब ज्यादती होती है तो ईमान में बढ़ोतरी आएगी, इजाफा होगा, ईमान को तकवीत मिलेगी। तो मालूम हुआ कि ईमान में कमी बेशी मुमकिन है। इस हदीस में का आखिरी जो जुमला है, قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذره وزن ذره من خير, ذره اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے گرد و غبار کو جو زمین پر ہلکا ہونے کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا اور وہ اڑتا رہتا ہے۔ آپ शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में सूरज की छुआएं आपके घर के खिड़कियां और दरवाजों के रास्ते से छुआएं दाखिल हों, उसमें आप साय में बैठे हों, तो आपको गुबार के जर्रात नजर आएंगे। तो चार जर्रात को अगर आप पकड़ के एक राय के दाने के बराबर, राय के दाने को एक तराजू की पल्ली में रखें और चार जर्रात को दूसरे पल्ली में रखें, तो वो चार जर्रात एक राय के दाने के बराबर होते हैं। तो कितनी हल्की सी चीज है, इतना भी अगर ईमान है तो आदमी की नजात मुमकिन है। इसी तरीके से 100 जर्रात अगर जमा करके एक तराजू के इलेक्ट्रॉनिक मीजान में रखेंगे और एक जौ का दाना या गेहूं का दाना रखेंगे, तो वो उसके बराबर होंगे। तो मालूम ये हुआ कि गेहूं, राई, राई का दाना गेहूं के दाने से छोटा होता है, जौ का दाना गेहूं के दाने से छोटा होता है, और जर्रात उससे भी छोटे होते हैं। तो ये जो तफावत है, फर्क है, फर्क के मरातिब है, तो ये बता रहा है कि आदमी का ईमान एक जैसा नहीं रहता, उसमें कमी बेशी होती है। सदी से यह भी मालूम हुआ कि बद किरदार इंसान तौहीद परस्त है, मुवाहिद है, ईमान वाला है और कुछ गुनाह कर रहा है, जब उसकी मौत हुई तो नेकियां कम, गुनाह ज्यादा हैं, तो ऐसा इंसान अल्लाह की मशीयत में होगा। अल्लाह चाहे तो उसे अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने कर्म से, अपने फैजान से उसको माफ करके जन्नत में भेज दे। अगर अल्लाह अपने आदर की बुनियाद पर उसके हक में फैसला करना चाहे तो जहन्नम में उसको सजा का जो मुस्तहिक है, सजा
पाने के बाद वहां से वो निकाला जाएगा, क्योंकि वो तौहीद परस्त है, वो अहले ईमान में से, अहले ईमान हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। इस हदीस में खवारिज एक गुमराह फिरका है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खवारिज के मसलक की उनके नुक्ते नजर की तरदीद करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब, जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर लिया, शराब पी लिया, जिना कर लिया, सूद खा लिया, सूद का लेन देन किया, रिश्वत ले लिया, जितने भी कबीरा गुनाह हैं उनमें से कोई भी कबीरा गुनाह का अगर वो मुर्तकिब हुआ वो काफिर हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता, और हमेशा हमेशा जहां अगर उसी हालत में गुनाह करते करते मौत हो गई तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी जहन्नम से नहीं निकलेगा। ये हदीस लाकर इमाम बुखारी साबित करना चाहते हैं कि जो के दाने के बराबर ईमान रखने वाला, गेहूं के दाने के बराबर ईमान रखने वाला, दर्रात के दाने के बराबर, चार जर्रे के बराबर, राई के दाने के बराबर ईमान रखने वाला और जर्रे के बराबर भी ईमान रखने वाला अगर है तो वो अल्लाह की मशीह से एक ना एक दिन जहन्नम से जरूर निकलेगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह करमिया जो मुर्जिया का एक गुमराह फिरका है उनकी भी तरदीद करना चाहते हैं, उनका भी रद्द करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि ईमान के लिए सिर्फ मारिफत काफी है, अगर ईमान के लिए सिर्फ मारिफत काफी होती अमल जरूरी नहीं होता तो शैतान भी मोमिन है, अल्लाह ने उसको सजदा करने का हुक्म दिया लेकिन अल्लाह के हुक्म को उसने माना नहीं, अमल नहीं किया। अल्लाह के बारे में शैतान को मारिफत थी लेकिन उसकी मारिफत उसको काम नहीं आई, उसको निजात का जरिया नहीं बनी। तो मालूम यह हुआ कि ईमान के लिए सिर्फ मारिफत काफी नहीं है। वो ये भी कहते हैं करामिया, उनके बड़े बड़े दस फिरके हैं, आज मुर्जिया इस नाम से मारूफ नहीं है, उनकी कोई जमात, कोई तंजीम, कोई तहरीक हमारे इस दौर में नहीं है, लेकिन उनकी फिक्र, उनका मनहज, उनका निजाम मौजूद है। आज लोग बहुत सारे, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है कि हम तो ईमान रखते हैं अल्लाह के साथ पर, शराब भी पी रहे हैं, जिना भी कर रहे हैं, लेकिन ईमान अमल के बगैर फायदा नहीं देगा। तो मालूम हुआ कि ईमान सिर्फ इकरार का नाम नहीं है, ईमान सिर्फ तस्दीक का नाम भी नहीं है, ईमान सिर्फ मारिफत का नाम भी नहीं है। ईमान के लिए कलाम में ये भी कहते हैं कि आमाल की चंदा जरूरत नहीं, आमाल की कोई हैसियत ही नहीं है उनके पास, आमाल की कोई तासीर, ईमान के लिए ईमान के बाब में आमाल की कोई तासीर भी नहीं मानते हो। तो मालूम है कि ईमान की तासीर अपने जगह पर बरहक है और ईमान अमल के बगैर और अमल ईमान के बगैर इतना मुकम्मल। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रिवायत इसी ज़मीन में मरवी है, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कलमा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है वो दोज़ख से एक दिन जरूर निकल आएगा। इस हदीस से ईमान की कमी बेशी पर इस्तदलाल यूं किया गया है कि इस बात का जिक्र कि ज़र्रा बराबर ईमान वाला भी दोज़ख से निकाल लिया जाएगा तो ये इस बात का सबूत है, बईन सबूत है, मुंह बोलता सबूत है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान नहीं है वो जहन्नम से कभी नहीं निकाला जाएगा। इतना भी ईमान ज़र्रा भी हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आता। तो इस सिलसिले में मैं आगे एक हदीस पेश करूंगा, वो हदीस शफा के नाम से बड़ी लंबी हदीस, उसमें अल्लाह ताला कहेंगे जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जब जहन्नम में चले जाएंगे, अहले जन्नत अहले ईमान अपने जो अहले ईमान दोस्त गुनहगार थे जहन्नम में गए होंगे तो अल्लाह से हुज्जत हुज्जतबाजी करने लगेंगे, अल्लाह ये क्या बात हुई,
हम तो जन्नत पे पहुंच गए, हमारे कुछ साथी कुछ रिश्तेदार जो अहले ईमान में से थे हमारे साथ नमाज पढ़ते थे उनको आपने जहन्नम में भेज दिया, उनको भी जन्नत में भेज दीजिए ना हमारे साथ। अल्लाह कहेंगे ठीक है जाओ जिसको तुम पहचानते हो, पहले नबियों को हुक्म देंगे, अंबिया अपने अपनी उम्मतों के अहले तौहीद को जो गुनहगार होंगे उनको निकाल लाएंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद मोमिनों को हुक्म दिया जाएगा, फरिश्ते अल्लाह आखिर में कहेंगे शफ़ातिल मलाइका फयकूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल, हदीसे कुदसी अल्लाह कहेंगे शफ़ातिल मलाइका, फरिश्तों ने सिफारिश की मैंने उनकी सिफारिश को मान लिया, उन्होंने कुछ लोग जिनको पहले ईमान नमाज पढ़ते रोजा रखते ईमान के हालत में देखते थे उनको निकाल के लाए, नबियों ने निकाल के लाए अहले ईमान, वो बकिया अरहमुर रहीमीन, अब जिनके दिल में जरा बराबर ईमान वो नबियों को भी नजर नहीं आए, नबियों की निगाह अभी उनको उसको उस ईमान को देख नहीं सकेगी, लेकिन अल्लाह ताला उस ईमान को अल्लाह से वो ईमान छुपा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला अपने फजल से एक मुट्ठी दूसरे के बाद में दूसरी मुट्ठी, अल्लाह की मुट्ठी कितनी बड़ी होगी वो अल्लाह ही जानता है, हम उसकी कैफियत नहीं जानते, उसका वस्फ नहीं बयान कर सकते, हम उसके मुकल्लफ भी नहीं, हमको सिर्फ ईमान रखना है। तो अल्लाह जब उनको निकालेगा तो वो जल के कोयले की तरह काले हुए होंगे, फिर उनको नहरे हयात में नहलाया जाएगा, गुसल दिया जाएगा, गुसल देने के बाद जैसे नहर के किनारे पौधा उगता है उस तरीके से वो फिर से साफ सुथरे होकर निकलेंगे, और उनको कहा जाएगा उतका और रहमान, अल्लाह ताला की तरफ से जहन्नम से आज़ाद किए लोग, फिर उनको जन्नत में उनकी उनकी तमन्नाओं के मुताबिक उनको नेमतों से नवाजा जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि जर्रा बराबर भी जिसके दिल में ईमान है, राय के दाने के बराबर भी ईमान है, तो वो जहन्नम से एक ना एक दिन निकलेगा, और सबका ईमान एक जैसा नहीं हो सकता। अगर ये मफरूजा तस्लीम कर लिया जाए तो नबियों का ईमान, फरिश्तों का ईमान, फासिक और फाजिर, मक्कार और बदकार, जिनाकार और शराबी, सूदखोर और रिश्वतखोर, सबका ईमान एक जैसा मानना पड़ेगा, ये तो किसी की अकल तस्लीम नहीं करती। इस हदीस में बहुत सारे दावती फायदे भी, इस हदीस से ईमान खालिस और सच्चे अकीदे तौहीद की फजीलत भी मालूम। तो जिसके दिल में तौहीद खालिस होगी तो आप उससे अंदाजा लगाए एक ना एक दिन उसकी नजात यकीनी है। अल्लाह ताला ने इस पूरे कायनात के निजाम को ही तौहीद की बुनियाद पर उस्तवार किया है, इस वसी वारिस कायनात का जर्रा जर्रा हर दम तौहीद के गुण गाते रहता है और अकीदे तौहीद पर मबनी तस्बीह पढ़ता है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, पूरी कायनात में जितनी मखलूक इंसान जिन्नात के अलावा भी जितनी मखलूक, लेकिन उनकी तस्बीह के बारे में कहा गया वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम नहीं समझ सकते उनकी तस्बीह, कौन समझता है, उनका खालिक उनका मालिक उनका राज़िक वो समझता है। दूसरी जिक्र क्या है, वो नमाज भी पढ़ते हैं वलाकिन तुम उनकी नमाज को नहीं समझ सकते। ये इस बात से एक और इस हदीस से एक और बहुत अहम फायदा ये हासिल हुआ, जिसको खालिस ईमान सच्चे तौहीद की अनमोल दौलत और बिना कदर नेमत नसीब हो गई उसकी दिल की दुनिया रोशन हो जाती है, उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है, उसका यकीन व ईमान भी निखर जाता है, उसके अखलाक और मामलात की जो कही है वो भी दूर हो जाती है। क्यों समझिए कि उसके हाथों में जन्नत की चाबी एक मिल जाती है, शर्त यह है कि जिंदगी भर सब्र इस्तिक़लाल के साथ इस्तिकामत के साथ तौहीद पर कायम रहकर गुनाहों से दूर रहकर और इसी तौहीद पर अगर उसका खात्मा हो जाए, गुनाह बिल्कुल उसके नामा-ए-अमल में ना हो तो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में, और अगर गुनाह हुए थोड़े हुए नीकियां ज्यादा हुई तो भी अल्लाह के फजल उसकी रहमत से जन्नत में दाखिला मिलेगा।
गुनाह ज्यादा हुए, नेकियां कम हुई, अल्लाह अपने आदल से के बुनियाद पर फैसला करेंगे, और अगर चाहे तो उसको भी माफ करके 100 कातिलों के 100 इंसानों के कातिल को भी अल्लाह ताला माफ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम। इस हदीस से बहुत से फायदे ये मालूम हुए, और साथ ही साथ ये भी मालूम हुआ कि बहुत से लोग तौहीद रुबूबियत को तो जानते भी हैं और मानते भी हैं, और मुशरिकीन मक्का भी इसको मानते थे। तुम्हारा खालिक कौन है हमसे अगर पूछा जाए तो कहते थे अल्लाह, तुम्हें रिस्क कौन देता है कहते थे अल्लाह, बारिश कौन बरसाता है अल्लाह। तो अल्लाह तौहीद रुबूबियत को मानते थे। शिर्क जो कसरत से होता है और हो रहा है तौहीद उलूहियत में और तौहीद अस्मा व सिफात में, तौहीद उलूहियत को कायम करने के लिए, उसको दुनिया में नाफिज करने के लिए तमाम इंसान और जिन्नात की तख्लीक की गई, जिसके लिए आसमान से किताबें नाजिल की गई, और अल्लाह ताला ने लाखों नबियों और रसूलों को दुनिया में भेजा नबी व रसूल बनाकर, तो आज उसी तौहीद के अंदर बड़ी गड़बड़। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिललाहि वहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिललाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, उनमें से अक्सर लोग ईमान रखने के बावजूद मुशरिक ही है। नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते ही फौरन आए बाहर कब्र है, तो अल्लाह के वली हमारी तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे, तुम्हारे अल्लाह के आगे। तो ये आज के कलिमा गो मुशरिकों का अकीदा है। आज के कलिमा गो मुशरिक मुसीबतों के वक्त भी अल्लाह को याद नहीं करते, अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद इस तरह के नारे लगाते हैं, या अली अल मदद, या हुसैन अल मदद, या फातिमा अल मदद, इस तरह के नारे लगाते हैं। मुशरिकीन मक्का जब मुसीबतों में फंस गए थे तो अल्लाह को याद करते थे। बहरकैफ साथियों, इस हदीस में बड़े फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं इस हदीस से। ये बड़ी तवील हदीस है, उसके कई तुरुक हैं, और सही बुखारी में इमाम बुखारी ने इस हदीस को बहुत से मकाम पर जिक्र किया है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा भी, और आपकी फजीलत और अजमत और रिफत और मंजिलत भी मालूम है। सारे नबी हदीस शफा के नाम से मशहूर है, सारे नबी शफा से इनकार कर देंगे, अल्लाह के नबी कहेंगे अना लहा, मैं सिफारिश करूँगा। सारे नबियों को एक दुआ दी जाती है, दुआ की कबूलियत का वादा किया जाता था अल्लाह की तरफ से, मैंने अपनी दुआ शफात के लिए आखिरत के लिए उठा के रखी, मैं अपनी उम्मतियों की सिफारिश करूंगा, अहले ईमान की सिफारिश करूंगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हदीस से आदम अलैहिस्सलाम के अलावा उलूल अज़म नबियों और रसूलों की तारीख दावत का भी पता चलता है, और इस हदीस में दावती वसाइल के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा करके उम्मतियों को समझाया। सहाबाए किराम दाई को भी अपनी दावत के वक्त तकरीर होता है के वक्त अपने इन वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल बहुत फायदे हैं इस हदीस के। तो इस हदीस से मालूम यह हुआ मेरे भाइयों, अल्लाह आप सबको खुश रखे, ईमान में कभी बेशी होती है। चलिए दूसरे हदीस की तरफ। अनुबल बिन खत्ताब अन रजुल मिन अल यहूद قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. أخرجه البخاري باب زيادة الإيمان ونقصان. इस हदीस को भी इमाम बुखारी ने किताब अल ईमान के अलावा चार मकाम, किताब अल ईमान के अलावा तीन मकाम पे जिक्र किया है, किताब अल मगाज़ी में, किताब अल तफसीर में, किताब अल एहतिसाब में, और इमाम मुस्लिम ने भी, और इसी तरीके से एक और मकाम पर किताब अल मगाज़ी में बाब हज्जत अल वदा में, इमाम मुस्लिम ने भी किताब तफसीर में इस हदीस को जिक्र किया है। हदीस का तर्जमा यह है, हजरत उमर बिन खत्ताब से रिवायत है कि यहूदी उनसे आके कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन
आपकी किताब कुरान में एक ऐसी आयत है जिसे तुम पढ़ते तो रहते हो, अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन ठहरा लेते, ईद का दिन मुतय्यन कर लेते। हज़रत इमाम ने कहा वो कौन सी आयत है? यहूदी बोला ये आयत सूरह माईदा की, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, मुकम्मल कर दी, और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। हज़रत इमाम ने कहा हम उस दिन को, उस मकाम को बखूबी जानते हैं जिसमें यह आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। यह आयत जुमे के दिन उतरी, आप उस वक्त अरफे में खड़े थे, अरफे में वकूफ फरमा रहे थे, उस वक्त अरफा का दिन था, उस वक्त यह आयत नाज़िल हुई। तो इस हदीस का एक फायदा यह है, यहूदी दरअसल ये कहना चाहता था कि मुसलमान इस आयत की अजमत से, इस आयत के कदर व कीमत से, इस आयत के कदर व मंजिलत से, मकाम व मरतबे से, इसकी अहमियत से नाआशना है, ना बलद हैं, ना वाकिफ हैं। हजरत उमर ने कहा अगर हम, हजरत यहूदी ने कहा अगर हम पर यह आयत नाजिल होती तो हमारे खुशी के जिस दिन यह आयत नाजिल हुई उस दिन को हम ईद का दिन मना लेते, ईद मनाते, उस दिन खुशी मनाते, हर साल जब भी वो आता तो हम उसको फेस्टिवल डे के हिसाब से, ईद के हिसाब से मुतय्यन कर लेते। हजरत उमर ने जो जवाब दिया उसका मतलब यह है कि तुम्हारी ईद तो खुद से आता है, तुम खुद अपने तरफ से ईद मुतय्यन करना चाहते हो, लेकिन हमारे नजदीक उसका नुज़ूल ही ईद के दिन हुआ है। अरफात का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, सारे हाजी दुनिया भर से अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए, हज के लिए वहाँ पहुँचते हैं, अल्लाह के हुक्म से अरफात के मैदान में होते हैं। एक दिन के लिए पूरे दुनिया के हाजियों को जमा करके एक शहर बसाया जाता है हमारे पास, तो ये हमारे लिए खुशी का दिन है और तारीखी दिन है, इंतहाई तकद्दुस का हामिल है एक दिन हमारे नज़दीक। और जुमा का दिन वैसे भी ईद उल मोमिनीन, अल्लाह ताला की तरफ से ये दिन हमारे ईद का दिन मुकर्रर हुआ है, यानि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में इसको बताया कि ये जुमा का दिन और ज़ुल्हिज्जा की 9वीं तारीख और मैदान अरफात, ये कितनी खुशी की बात है। अगर ये अब फैसला किया जाए कि कौन सी खुशी दर हकीकत खुशी कहलाने के हक रखती है, जो इंसान खुद से अपने लिए कोई दिन मुकर्रर करके खुश होना चाहता है, या अल्लाह जिस दिन को खुशी के लिए मुकर्रर फरमा दे, अल्लाह के नबी जिस दिन को कहें कि तुम्हारे लिए ईद का दिन है, तो मेरे भाई खुशी तो असल वही है जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता हो। तबरानी की मौजम अल औसत में एक रिवायत में हजरत उमर के अल्फाज इस तरह हमको रहे हैं कि ये आयत जुमा और अरफे के दिन नाजिल हुई, ये दोनों दिन हम मुसलमानों के लिए ईद की हैसियत रखते हैं। तो मालूम हुआ ये दोनों ईदें वक्ती नहीं बल्कि हमेशा दायमी है, हर साल हज का दिन आता है, हज के अयाम आते हैं तो 9 अरफात को 8 तारीख को जो मुतरिमा हाजी मीना में होते हैं और 9वीं तारीख को अरफात के मैदान में होते हैं और 9वीं तारीख ख़त्म होती है तो 10वें दिन 10वीं तारीख को ईद का दिन होता है। तो ये हम सब उस दिन की खुशी में हमें रोज़ा भी रखने का हुक्म दिया गया है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए हैं। अच्छा, इस हदीस में अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इस आयत में एक लफ्ज है अकमलतु, मैंने मुकम्मल किया तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, इकमाल का लफ्ज अकमल युकमिलु इकमालन, इकमाल ये रूट है, मजदर है। तो कुरान की आयत में इकमाल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इससे मालूम हुआ कि दीन कमाल को कबूल करता है, जो चीज कमाल को कबूल करती है वो नक्स को भी कबूल कर सकती है, जो चीज बढ़ सकती है वो घट भी सकती है। अब दीन मुकम्मल हुआ है, अच्छा उसमें किसी किस्म की कमी का सवाल तो अहकाम में नहीं हो, दीन के जो अहकाम है शरीयत है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं हो, बल्कि अमल में अगर कमी होगी तो उसी हिसाब से आदमी के ईमान में कमी आएगी, नक्स पैदा होगा, कमाल में कमी आएगी, तो ये अमल के एतबार से कमी बेशी का या अहले बिदअत क्या करते हैं, दीन में कमी बेशी करते हैं। अहले बिदअत जो चीज दीन में नहीं है उसको लाके दीन बना के पेश करते हैं, तो अब दीन में किसी किस्म की इजाफे की कोई गुंजाइश
नहीं है। जिस दिन को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, अब उसमें गुंजाइश किसी को न नबी को न वली को न सिद्दीक को न शहीद को किसी भी न कुतुब को न अब्दाल को किसी भी किस्म किसी भी इंसान को दीन में इजाफा करने की गुंजाइश और इजाजत नहीं। अच्छा, यहाँ एक शुबा एक पैदा हो सकता है, एक सवाल आपके जहन में उभर सकता है। क्यारे बुखारी ने इस का जवाब दिया है, वो ये है कि दीन पहले मुकम्मल नहीं था, अरफात के दिन मुकम्मल हुआ, तो सहाबा किराम ने जो इस आयत के नाजिल होने से पहले वफात पा गए, वो क्या उनका दीन नाकिस था, उनका ईमान नाकिस था? नहीं, जितना दीन उनको मिला था और जिस पर उन्होंने अमल किया वो कामिल ही शुमार माना जाएगा, क्योंकि उनको मजीद मोहलत अमल या फुर्सत अमल नहीं मिली। अगर उनको जिंदगी मिलती तो यकीनन वो कामिल दीन पर अमल करते। उनका शियार ही था कि आमन्ना सद्दकना अताना वत्तबाना, दीन का जो भी हुक्म उनके सामने नाजिल होता फौरन उस पर अमल करते थे। तो बेरे कैफ इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद सख्ता ईदों की भी तरदीद करना चाहते हैं कि हमारे पास खुद से बनाए हुए ईदों की कोई हकीकत नहीं। हम ऐसे नहीं कि अपने तरफ से जो दिन चाहें ईद के तौर पर मुकर्र करें, नहीं, हमको तो इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल की हिदायत और अहकाम के पाबंद हैं, अहकाम के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया तो हम उसके पाबंद। हमारे लिए जुमा तो ईद उल मोमिनीन है, जिसे अल्लाह ने बतौर ईद मुकर्रर किया है, इसे हमने अपनी तरफ से ईद नहीं बना दिया। सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को ईद उल मोमिनीन कहा। तो बरकत साथियों, इस हदीस के भी बहुत सारे दावती फवायद हैं, क्योंकि वक्त की कमी के पेश कमी की वजह से इस हदीस का एक बड़ा फायदा ये भी है, इस्लाम में इल्म की अहमियत उसके मकाम और मर्तबे की है, साथ साथ अहले इल्म का मकाम और मर्तबे भी मालूम हुआ। हजरत उमर को अगर इस बारे में इल्म ना होता तो यहूदी कहता कि देखो हमको इल्म है, इनको इल्म नहीं है। तो मेरे भाइयों, साहबे किराम बड़े इल्म के शौकीन थे, रगबत रखते थे दिल में इल्म को हासिल करने के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके सवाल करते थे, पूछते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले के दुरुस्त में मैंने बताया था कि एक और बाब कायम किया है, बाब तफादुल अहले ईमान फिल अमाल, अहले ईमान का अमाल के लिहाज से एक दूसरे से अफजल होना, यानी ईमान वालों का अमल में एक दूसरे से बढ़ जाना मुमकिन है, आयन मुमकिन है। हजरत अबू बकर हजरत उमर से ईमान और अमले साले में यकीनन सबसे पहले मकाम पर है। इस सिलसिले में इमाम बुखारी ने दो हदीसें पेश की हैं। पहली हदीस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नबी सईदिन अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نار الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج في صفراء تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب قال حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير خردل من خير. أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान के अलावा किताबुल ईमान के साथ सात मकामात पे जिक्र किया सही बुखारी ने। किताबुल ईमान में पहले मकाम पर, किताबुल तफसीर में दूसरे मकाम पर, तीसरे मकाम पर भी किताबुल तफसीर में जिक्र किया उन्होंने, चौथे मकाम पर किताबुल रकात में, पांचवें मकाम पर भी किताबुल रकात में दो मरतबा लाए,
और किताब तौहीद में दो मर्तबा इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक मसला साबित करना चाहते हैं कि आमाल में कमी पेशी की वजह से ईमान में कमी पेशी मुमकिन है। ईमान वालों का अमल में एक दूसरे से बढ़ जाना ऐन मुमकिन है, और अमल जब बढ़ेंगे तो ईमान में ज्यादती होगी। नेक अमल की बात चल रही है। सदीस का तर्जमा है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस बयान की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और दोज़खी दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, यह हदीस कुदसी है, जब कहेंगे अल्लाह पाक फरमाएगा, यकूलुल्लाह, जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान हो, जिसके दिल में राय के दाने के बराबर चार जर्रात को तराजू के एक पल्ली में रखें और राय का दाना एक तरफ रखें तो दोनों बराबर होंगे। तो इतना छोटा सा हल्का सा भी ईमान उसको भी दोज़ख से निकाल लो, अल्लाह ताला का हुक्म होगा, अखरिजो मिनन्नार मन काना फी कल्बिही मिस्कार हब्बतिन मिन खर्दल मिन ईमान, राय के दाने के बराबर भी जिसके दिल में ईमान है उसको जहन्नम से निकालो, فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا, जल कर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे, उनको निकाला जाएगा, फिर उनको जन्नत में एक नहर नहरुल हयात के नाम से होगी, उसमें जब वो नहाएंगे नहलाया जाएगा उनको, तो पाक साफ होकर जैसे पौधा नहर के किनारे उगता है तो कैसे पीला साफ सुथरा रहता है वैसे वो साफ सुथरे हो जाएंगे, फिर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दो गुमराह फिरकों की तर्दीद करना चाहते हैं। पहला गुमराह फिरका मुर्जिया का है। मैंने आपको बताया ये जमात और तंजीम की शक्ल में आज दुनिया में वैसे मौजूद नहीं है, उनकी फिक्र उनका मनहज उनका तरीका उनके आदात और अतवार को अपनाने वाले लोग मौजूद हैं। मुर्जिया क्या कहते हैं कि तस्दीक के बाद या इकरार के बाद या मारिफत के बाद आमाल की कोई हैसियत नहीं, आमाल की चंदा जरूरत भी नहीं मानते, और वो कहते हैं कि ईमान के बाद में आमाल की कोई तासीर नहीं। अगर वाकई ऐसा है कि आमाल का कोई असर नहीं तो अहले ईमान के जो गुनहगार लोग हैं उनके आमाले बद की वजह से उन्हें जहन्नम में क्यों ढकेला जाएगा? भाई अमल के जब कोई असर ही नहीं है, अमल की कोई तासीर नहीं है, तो फिर गुनहगारों को जहन्नम में नहीं डालना चाहिए, अल्लाह अपनी आदत से उनके गुनाहों की वजह से उनको जहन्नम में डालेंगे। तो इसी तरीके से खवारिज का भी रद्द करना चाहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। खवारिज एक बातिल फिरका है, उनके अकीदे उनके अफकार उनका मनहज उनका तरीका सब कुछ भी गलत है। वो क्या कहते हैं उनके अकायद, अल्लाह की अगर तौफीक हुई तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी कोशिश है कि गुमराह फिरके अकायद के बाद में गुमराह फिरकों के ताल्लुक से एक से दो चार वीडियो रिकॉर्ड करने की रगबत और ख्वाहिश है, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। कवायद कहते हैं कि कबीरा गुनाह का जो भी मुर्तकिब होगा वह तौबा नहीं करेगा तो वह ईमान से खारिज हो जाता है। कबीरा गुनाह किया फिर से कलिमा पढ़ना होगा, उसको ईमान की तजदीद करनी होगी, तौबा करना होगा, नहीं ऐसी इसी हालत में वफात हो गई मौत आ गई कबीरा गुनाह की हालत में ही उसने तौबा नहीं किया तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। जब इस हदीस में तो उनके खिलाफ दलील ये है, अगर उनका मौकिफ सही होता तो जहन्नम से जो लोगों को निकाला जाएगा तौहीद परस्तों को अहले ईमान को, तो उनको तो निकाला नहीं जाना चाहिए उनके कहने के मुताबिक, तो निकाला जा रहा है तो उनका अकीदा सही नहीं है। जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान है तो एक ना एक दिन निकलेगा। इस हदीस में एक और चीज एक और मसला साबित हुआ कि अहले ईमान में दुनियावी और उखरवी दोनों एतबार से फर्क मरातिब,
दुनिया में हम हमेशा देखते हैं, हमारा मुशाहदा है, एक शख्स को नेक अमल करने की तौफीक मिलती है, जबकि दूसरा शख्स, दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही माँ बाप के औलाद भी हैं, तो एक नेक होता है एक बुरा होता है, कभी ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। तो एक शख्स को नेक अमल की तौफीक मिलती है, दूसरे शख्स को, दूसरा शख्स उससे महरूम होता है। ये दुनिया में अहले ईमान में ये फक्र मरातिब है, एक शख्स नमाजी है तो दूसरा नमाज में सुस्ती करता है, एक ही माँ बाप के औलाद होते हैं। उखरवी एतबार से, आखिरत के एतबार से भी जिनके अमाल ऊंचे दर्जे के थे वो जहन्नम से महफूज रहे, इनकी नेकियां बहुत ज्यादा थी, गुनाह कम थे, अल्लाह उनको अपने रहमत से कहां भेजेंगे, जन्नत में। और जिनके गुनाह और नेकियां बराबर हो गई तो अल्लाह ताला आपके मशीयत में होंगे, अल्लाह चाहे तो माफ करके उनको भी जन्नत में भेजेंगे, और जिनके गुनाह ज्यादा होंगे वो भी अल्लाह की मशीयत में होंगे, चाहे तो अल्लाह माफ कर दे, चाहे तो अपने रहमत से उसको जन्नत में भेजे, चाहे तो उनको अपने अदल के फैसले के मुताबिक जहन्नम में सजा देने के बाद जहन्नम से निकालेगा। तो मालूम यह हुआ कि उखरवी एतबार से भी जिनके अमाल ऊंचे दर्जे के होते हैं वो जहन्नम से महफूज रह जाते हैं, और जिनके अमाल में कमी या कोताही होती है तो उन्हें जहन्नम की हवा खिलाकर फिर जहन्नम से निकाला जाएगा। अच्छा, जहन्नम से भी सबको एक साथ निकालेंगे? नहीं, हर एक को उनके फर्क मरातिब के हिसाब से निकाले जाएंगे। फरिश्तों की सिफारिश से कुछ लोगों को निकाला जाएगा, नबियों की सिफारिश से कुछ लोगों को निकाला जाएगा, अहले ईमान की सिफारिश से कुछ लोगों को निकाला जाएगा। जब सारे सिफारिशें खत्म हो जाएंगे तो अल्लाह अरहमुर राहिमीन अपने फजल व करम से भी कुछ लोगों को निकालेंगे। तो ये निकालने की भी जो मरातिब है, किसी को आमाले जवारे की वजह से, किसी को आमाले कल्ब की वजह से, किसी को आसारे ईमान की वजह से, किसी को अनवारे ईमान की वजह से, किसी को नफ्से ईमान की वजह से, ये आखिरी किस्म जो है नफ्से ईमान की वजह से जो निकाले जाने वाले लोगों की है, वो फरिश्ते नबी अहले ईमान सब निकालने के बाद अल्लाह कहेंगे इनके पास एक धुंधला सा ईमान, राय के दाने के बराबर, जर्रे के बराबर, उसको मेरी नजर ही देख सकती, अल्लाह के नजर करम ही उसको देख सकती है, नजर रहमत ही उस पर पड़ सकती है, इंसान उसको देख भी नहीं सकते, इतना हल्का सा ईमान भी अगर है तो अल्लाह ताला अपने फजल से खुद ही उन लोगों को जहन्नम से निकालेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत का मफहूम है। मैंने बताया कि अल्लाह कहेंगे, अल्लाह के सामने फरिश्ते अहले ईमान अंबिया सारे जो सिफारिशी होंगे वो आके कहेंगे فَيَقُولُونَ رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا, अल्लाह आपने जिसको निकालने का हमें हुक्म दिया था हमने निकाला, فَلَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ أَحَدٌ فِي خَيْرٍ, अब जितने जहन्नम है हमारे नजर में तो उनमें कोई खैर नहीं, हमको तो नजर नहीं आया कोई जिसके दिल में ईमान। अल्लाह कहेंगे ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ شَفَّعَتِ الْمَلَائِكَةُ, फरिश्तों ने सिफारिश की, وَشَفَّعَ الْأَنْبِيَاءُ, नबियों ने सिफारिश की, वो शफ़ाल मुमिनून, अहले ईमान ने भी सिफारिश की, सबके सिफारिशों पे मुख्तलिफ लोग निकाले जाते रहे, वो बख़िया अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन, अब मेरा, अब मेरी बारी। तो रावी कहते हैं फयक़बिदु, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयक़बिदु क़ब्ज़तन मिनन नार, अल्लाह एक मुट्ठी, इसकी कैफियत हम नहीं बयान करेंगे, इसका वस्फ हम नहीं बयान करेंगे, इसकी सिफत हम नहीं बयान करेंगे और ना हम इसके मुकल्लफ हैं, वो कितने लोग होंगे अल्लाह की मुट्ठी में। और एक रिवायत में जी के कब्ज़तैन, दो मुट्ठियां। तो फिर उसके बाद नासुन लम यअमलू लिल्लाहि खैरन कत्तु कद इख्तरकू हत्ता सारु हममा, जिंदगी में उन्होंने कोई खैर का काम किया ही नहीं होगा, इसी वजह से अल्लाह आपको जहन्नम में भेजेंगे और जलकर कोयला बन चुके हैं। वयुक्ता बिहिम इला माइन युकालु लहु माउल हयात, जन्नत में एक नहर होगी जिसको नहरुल हयात या माउल हयात कहा जाएगा, वहां लाके फयुसब्बु अलैहिम, उन पर पानी डाला जाएगा, नहलाया जाएगा, फयमूतून कमा तमूतुल हिब्बतु फी हमील सैल, जैसे नहरों के किनारे, दरियाओं के किनारे पौधे उगते हैं ऐसे वो नहरों से निकलेंगे, तो फयखरुजूना मिन अजसादिहिम मिसल अल्लुलू,
जब उस नहर से निकलेंगे तो उनके जिस्म मोतियों की तरह चमकते होंगे और उनके पेशाने पे मोहर लगी होगी। और तका हुआ कि पेशाने पे क्या लगी होगी, मोहर लगी होगी और ये अल्लाह की तरफ से जहन्नम से आजाद किए हुए लोग। तो जन्नती लोग जब उनको देखेंगे तो क्या कहेंगे, हा उलाई और तका और रहमान, ये अल्लाह रहमान और रहीम के रहमत के उसके फजल उसके जूद और फैजान के बेसिक पर जहन्नम से आजाद किए गए हैं। अल्लाह कहेंगे उदखुलुल जन्ना, अब जाओ जन्नत में। فَمَا تَمَنَّيْتُمْ مَا وَعَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ عِنْدِي فَهُوَ لَكُمْ, जो चीज भी तुमको अच्छी लगे जन्नत में उससे मांगो, मजबूर है तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करूंगा। फिर अल्लाह कहेंगे لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا, तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरे करने के अलावा भी एक ऐसी चीज में तुम्हें देने जा रहा हूँ जो तमाम नेमतों से बहुत ही कीमती और अधिक शान है। वो कहेंगे फ़यकुलूना रब्बना वमा अफ़ज़लु मिन ज़ालिक, हमारी हर ख्वाहिश आप पूरे करने के लिए तैयार हैं और आपकी कहा है तो आपकी हमारी ख्वाहिश पूरी हो ही जाए, लेकिन इससे भी अफ़ज़ल क्या चीज़ होगी। अल्लाह कहेंगे रिज़ाई अलैकुम फ़ला अस्ख़तु अलैकुम अबदा, मैं इसके बाद फिर कभी तुमसे नाराज नहीं रहूँगा। तो ये नेमत अल्लाह की दायमी रजामंदी और फिर उनको भी अल्लाह का दीदार होगा उनके हसब मरातिब और मकामात के हिसाब से। जो जितना ईमान में ताकतवर होगा पावरफुल होगा उसी हिसाब से दीदार इलाही के मौके पर भी उसके लिए मकामात तरतीब दिए जाएंगे। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अहले कुफर पर जो अजाब होगा वो इंतकामन होगा, जबकि अहले ईमान को इसलिए जहन्नम में डाला जाएगा ताकि उनके गुनाहों के मैले मैल कुचल से उन्हें साफ किया जाए। अहले ईमान को दुनिया में कई मरहलों से गुजारा जाता है, उनको गुनाहों से साफ करने के लिए कई मरहलों से गुजारा जाता है। आजमाइशें आती हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, बीमारियां आती हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, इम्तिहानात आते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, इत्तलात आते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, परेशानियां आती हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर इसके अलावा इससे भी अगर गुनाह आदमी तौबा करता है गुनाह माफ हो जाते हैं, वजू करता है गुनाह माफ हो जाते हैं, नमाज पढ़ता है गुनाह माफ हो जाते हैं, नेकियां करता है तो नेकियां छोटे मोटे गुनाहों को इन्नल हसनात युधिबन सैयाद, बहुत सारी नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। अगर इससे भी गुनाह साफ नहीं हुए सकरातुल मौत, मौत के वक्त की जो सकरात और नजा की जो कैफियत में तकलीफ होती है उस वक्त भी गुनाहों के इंसान के गुनाहों को मिटाया जाता है, पाक किया जाता है। अगर उससे भी ज्यादा गुनाह हो कब्र की हौलनाकियों से जरिए से उसका तदारुक किया जाता है। अगर गुनाह इससे भी ज्यादा हो हशर के मैदान में जो परेशानियां आने वाली हैं या हौलनाके आने वाले हैं उससे भी गुनाह से इंसान को धोया जाता है। अगर उससे भी ज्यादा हो गुनाह दोज़ख में डालकर उसे पाक किया जाता है। तो अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने 10 गुनाहों से पाक करने के मराहिल बयान किए हैं। तो बहरहाल उन सब के जिक्र करने का ये मौका नहीं है। इस हदीस में भी बहुत सारे फवायद जिक्र किए गए हैं, दावती फवायद और दावती आदाब भी इस हदीस में जिक्र किए गए। एक और हदीस में आपके सामने बयान करके इस